हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हमारा 12th का अगला लेक्चर है, कंटिन्यूटी का अगला लेक्चर नंबर 3। तो बातचीत करते हैं, कुछ थ्योरी बाकी रह गया था, थोड़ा बहुत भूल गया था। देख लीजिए, कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन, ठीक है। कंपोजिट फंक्शन का लिमिट भी बात किया, कंपोजिट फंक्शन भी बात किया फंक्शन चैप्टर में, अभी उसका कंटिन्यूटी बात करेंगे आगे, और जहां पे आएगा उससे भी बातचीत चलेगा। ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है एफएक्स। देखो, सबसे अगर बात करें इस चैप्टर का सबसे कंफ्यूजिंग थ्योरम है, ठीक है। बट जिस प्रकार से मैं सोच रहा हूँ उसी प्रकार से सोचो, एक झटके में समझ जाओगे इसको, ठीक है। बट बाकी लिखने का अंदाज देख लीजिएगा प्रॉपरली, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, सही है। देखो, एफ एक्स को बोल के दिया कंटिन्यूअस एक्स इक्वल टू एम ए, ठीक है। और जी एक्स को बोल के दिया कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एम ए। इस चीज को ध्यान दो, जी एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए, तब जाकर के गॉफ एक्स कंटिन्यूअस होगा उस पॉइंट पे। कहना मतलब कि गॉफ एक्स किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस कब होगा, जब एफ एक्स उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा और जी एक्स एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए में कंटिन्यूअस होगा। समझ में आ रहा है क्या मेरी बात? जब एफ एक्स कंटिन्यूअस होगा, अंदर वाला कंपोजिशन के अंदर वाला फंक्शन जब उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा और कौन होगा, और जब जी एक्स एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए में कंटिन्यूअस होगा तभी हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? अभी मैं तो इतना कुछ नहीं लिखने वाला, मैं आपको 2 लाइन में चीजें समझाता हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा मेरी बात, ध्यान सुनिए कि अगर मैं बोलता हूं कि एफ एक्स फंक्शन कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू ए, तो मैं क्या लिख सकता हूं कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एफ एक्स व्हेन एक्स इज टेंडिंग टू ए विल बी इक्वल टू द फंक्शनल वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए। ये तो है ना डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी। डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी स्टेट्स लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन मस्ट बी इक्वल टू द फंक्शनल वैल्यू। तो फंक्शनल वैल्यू एफ ऑफ ए आ गया, लिमिटिंग वैल्यू लिमिट एफ एक्स एक्स टेंडिंग टू ए आ गया। सही बात है, क्लियर है? चलो, तो ये हमारे को पता चल रहा है। अभी इस चीज का मतलब क्या है कि सर, जैसे जैसे x a के नजदीक जा रहा है, fx किसके नजदीक जा रहा है, f of a के नजदीक जा रहा है, बस यही तो है ना इसका मतलब। अभी आपको प्रूफ क्या करना है, अभी आपको प्रूफ करना है कि गॉफ x कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू a। अगर गॉफ x को x इक्वल टू a में कंटिन्यूअस प्रूफ करना है तो बोले तो आपको क्या प्रूफ करना है एग्जैक्टली, आपको क्या ये प्रूफ करना है? बिल्कुल, आपको ये प्रूफ करना है। अगर ये प्रूफ कर पाए कि गॉफ एक्स का लिमिटिंग वैल्यू फंक्शनल वैल्यू एक्स इक्वल टू ए पे बराबर, तो हो जाएगा प्रूफ। समझ में आ रहा है? तो इसको पकड़ो, ये देखो, इसको पकड़ो। इस चीज को आप क्या लिख पाओगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए को हटा करके एफ एक्स टेंडिंग टू एफ ऑफ ए लिख दिया, बिकॉज यहां से आप देख रहे हो वही लॉजिक, एक्स टेंडिंग टू ए का मतलब एफ एक्स टेंडिंग टू एफ ऑफ ए आप लिख सकते हो। फिर जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, अभी इस लाइन से ये लाइन मैंने कैसे लिखा, इस लाइन से ये लाइन में लिमिट को अंदर घुसा के लिखा, लिमिट को क्या लिखा, लिमिट को मैंने अंदर घुसा दिया, तब जाकर के एफ एक्स की जगह पे एफ ऑफ ए और ये गॉफ ऑफ ए आया। और आप सोचो कि लिमिट को अंदर कॉम्पोजिशन में कब घुसा सकते हो, लिमिट को कॉम्पोजिशन के अंदर आप कैसे लेके जा सकते हो, कॉम्पोजिट फंक्शन लिमिट, लिमिट ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन पढ़ा था नहीं पढ़ा था कि गॉफ एक्स लिमिट ऑफ गॉफ एक्स को जी ऑफ लिमिट ऑफ एफ एक्स कैसे लिख सकते हो? अरे भूल गया क्या, लिमिट ऑफ गॉफ एक्स जो बोला था इसको जी ऑफ लिमिट एफ एक्स कैसे लिख सकते हैं, कब लिमिट को अंदर लेके जा सकते हैं, अगर आपका ये जो अंदर वाला चीज मतलब ये जो जी फंक्शन है ये इस रिजल्ट के ऊपर कंटिन्यूअस होता है, तो ये रिजल्ट कौन है, एफ ऑफ ए, मतलब जी फंक्शन जो है वो एफ ऑफ ए पे कंटिन्यूअस होना पड़ेगा, इसीलिए ये कंडीशन लगाया गया कि जी एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए। क्यों ये कंडीशन लगाया गया, ताकि मैं इस लिमिट को अंदर लेके जा सकूं, बिना इस लाइन का आप लिमिट को अंदर लेके नहीं जा सकते, और जब तक लिमिट अंदर नहीं जाएगा तब तक इस लिमिट का वैल्यू गॉफ ऑफ ए नहीं आएगा, प्रूफ नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना, इसीलिए गॉफ एक्स के कंटिन्यूटी के ऊपर एक और कंडीशन लग जाता है कि जी एक्स मस्ट बी कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए, ठीक है। कंपोजिट फंक्शन का लिमिट का जो कंसेप्ट है उसको वैलिड करने के लिए ये कंडीशन लगता है। तो याद रखिएगा, एक कंपोजिट फंक्शन कंटिन्यूअस तब भी होता है एक पॉइंट पे जब उसके अंदर वाला फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस होता है, और आपका जी एक्स जो फंक्शन है, जो बाहर वाला फंक्शन है, वो एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए में कंटिन्यूअस होता है, वो अंदर वाले फंक्शन का आउटपुट पे कंटिन्यूअस होता है। समझ में आ रहा है, क्लियर है? तो दैट्स ऑल अबाउट आपका कंपोजिट फंक्शन का कंटिन्यूटी, ठीक है। अभी इसके ऊपर एक नोट देख लेते हैं, ये सबसे काम का चीज है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये बोर्ड एग्जाम में अभी तक आया नहीं है, बट आपका टेक्स्ट बुक में है, एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, जो असम बोर्ड का एक और असम का प्रेस्ट बुक है उसमें है, तो आप प्रॉपरली इस चीज को स्टडी कर लीजिएगा, ठीक है। इसका प्रूफ किस प्रकार से लिखा गया है उसको आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे समझ जाएंगे, मुद्दे का चीज मैंने आपको समझा दी, समझ में आ रहा है, क्लियर है, ठीक है ना। ये सब समझने के लिए, हैवी कंसेप्ट समझने के लिए ये जो मैंने चीज बोला वही मुद्दे का चीज है, ये समझ गए तो ये तो लिख ही लोगे ना, समझ में आ रहा है, क्लियर है। चलो,
फॉर कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन, फॉर कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन व्हाइल चेकिंग द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ गॉफ एक्स, गॉफ एक्स का जब पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी चेक करने जाओगे तो हमेशा उन पॉइंट्स में ध्यान दे देना जहां पे एफ एक्स नॉट डिफाइंड हो रहा है। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि जी कॉफ एक्स को कंटिन्यूअस होने के लिए तो एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एम है, तो जी को कंटिन्यूअस होना पड़ेगा ना। समझ में आ रहा है? तो एफ एक्स जहां जहां पे नॉट डिफाइंड हो रहा है उस जगह पे तो जी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। समझ में आ रहा है ना? एफ एग्जिस्ट नहीं करेगा तो जी कहां पे करेगा? समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? तो आप समझ सकते हो, सॉरी एफ एग्जिस्ट नहीं करेगा तो गॉफ कहां पे करेगा? ठीक है, जी तो कर सकता है एग्जिस्ट। तो गॉफ एक्स का डिसकंटिन्यूटी, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी जब भी आप सर्च करने जाएंगे हमेशा उन बातों पे ध्यान दे देना जहां पे एफ एक्स खुद नॉट डिफाइंड हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? और एक और चीज बच्चों का कंफ्यूजन रह जाता है कि एफ एक्स अगर डिसकंटिन्यूअस हो गया किसी पॉइंट पे तो गॉफ एक्स भी डिसकंटिन्यूअस होगा, ऐसे मैंने कभी नहीं बोला। ठीक है, आप खुद के मन से थ्योरम मत बनाओ। एफ एक्स अगर कंटिन्यूअस हो गया किसी पॉइंट पे तो गारंटी नहीं है कि गॉफ एक्स डिसकंटिन्यूअस होगा, गॉफ एक्स कंटिन्यूअस भी हो सकता है, ये चेक करके बताना पड़ेगा। ठीक बात है, क्लियर है? तो अभी यहां तक तो अपन ने बात कर ली है, अभी इस टॉपिक के आधारित कुछ क्वेश्चन देखते तब जाकर के ये टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सही बात है, चलो ध्यान से देखो। उधर देखो एक्सरसाइज वन का ही कुछ क्वेश्चन लिया मैंने। ठीक है, ध्यान से देखना, सही है? नोट वगैरह करने का जरूरत नहीं, शीट में है ऑलरेडी, आप देख सकते हो। ठीक है, 26 का वन है ना, 26, बट सॉल्यूशन जो है वो तो नोट करना बनता है ना भाई, वो तो शीट में नहीं मिलेगा। 26 का वन जरा ध्यान से देखिएगा, एफ ऑफ टी आपको दे रखा है और पूछता है कि ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन निकालो। ठीक है ना, आपको क्या करना है, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 1/t² + t-2, जहां पे t को एज ए फंक्शन ऑफ x एक्सप्रेस कर रखा है विच इज 1/x-1। तो इनडायरेक्टली जो सीन है वो कुछ एफ ऑफ एक्स का सीन है ना भाई, यहां पे समझ में आ रहा है? इनडायरेक्टली जो कुछ सीन है वो f इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ t एंड अगेन t इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ f ऑफ x, तो ये कंप्लीटली f और f फंक्शन का कंपोजिशन हो गया। चलो, तो इस फंक्शन का पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हमें निकालना है। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बोले तो फंक्शन किधर डिसकंटिन्यूअस होने वाला है, तो फंक्शन किधर डिसकंटिन्यूअस होने वाला है, सबसे पहले f ऑफ t कहां पे डिसकंटिन्यूअस होगा, f ऑफ t विल बी डिसकंटिन्यूअस वेयर डिनोमिनेटर इज इक्वल टू जीरो। तो डिनोमिनेटर कहां पे जीरो होगा, डिनोमिनेटर -2 और 1/0 होगा। समझ में आ रहा है ना? बट आपको तो बोला क्या है कि t का वैल्यू निकालने के लिए नहीं बोला है। ठीक है ना, पूरा फंक्शन x के टर्म में है, x इज द ओरिजिनल इनपुट, t तो एक आर्बिट्ररी इनपुट है जो आपको दिखा रहा है ना, कंपोजिशन को लिंक कर रहा है t के थ्रू। समझ में आ रहा है ना? बट x का वैल्यू निकालना है, x इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? तो यहां पे तो t का वैल्यू -2 और 1 हो गया, दैट इज आप क्या लिखोगे कि 1/x-2 इज इक्वल टू -2 एंड 1/x-1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहां से अपने को कहीं ना कहीं सॉल्व करके मिल जाता है कि x-1 इज इक्वल टू -1/2, बोले तो x का वैल्यू हाफ हो गया, और इधर अगर मैं बात करूं तो x-1 का वैल्यू 1 हो गया तो x का वैल्यू 2 हो गया। सही है, तो x का वैल्यू हाफ और x का वैल्यू 2 हो गया, मतलब इन दोनों जगह पे t अनडिफाइंड हो जाएगा, और अगर t अनडिफाइंड हो गया तो f ऑफ t अनडिफाइंड होगा, ये पक्का है। ठीक है, ये तो आपने बातचीत कर ली है, और लास्ट में आप हमेशा इस नोट को मत भूलना कि कंपोजिट फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करते वक्त हमेशा उस जगह पे ध्यान दे दो जहां पे अंदर वाला फंक्शन खुद अनडिफाइंड हो रहा है। अंदर वाला फंक्शन कौन है, टी, टी कहां पे अनडिफाइंड हो रहा है, एक्स इक्वल टू 1 पे, मतलब एक्स इक्वल टू 1 भी वन ऑफ द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगा। ठीक है, अगेन तो यहां पर तो कंक्लूड कर दोगे, देयरफॉर एफ ऑफ टी is not defined या फिर discontinuous for all x is equal to half and 2 and as t is equal to f of x is not defined for x is equal to 1, therefore points of discontinuity of the function are 1, 2, 1/2। ठीक है, तो ये तीन पॉइंट हो जाएगा आपका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। समझ में आ रहा है, क्लियर है? तो कुछ इस प्रकार से आपको फाइनल आंसर कंक्लूड करना है। समझ आ रहा है मेरी बात, क्लियर है? आगे देखो, आगे देखो,
ध्यान समझना ये सारी चीजें, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें भाई, पूछे जा सकते कभी भी, अभी तक फ्लेवर आया नहीं, किसी एग्जाम में आ सकते। तो 26 वन तो हो गया मैंने, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन 39 का वन, ठीक है, एफ एक्स जी एक्स दे रखा है और चेक द कंटिन्यूटी ऑफ गॉफ एक्स, ठीक है, गॉफ एक्स का कंटिन्यूटी पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले अपन ये ढूंढते हैं कि गॉफ एक्स होगा क्या, गॉफ एक्स हो जाएगा जी के अंदर एफ एक्स बैठा दो, एफ एक्स कौन है, एक्स माइनस वन बाई टू एक्स, और जी ऑफ एक्स कितना, एक्स माइनस टू बाई एक्स माइनस वन, तो जी ऑफ एफ एक्स कितना होगा, एक्स माइनस वन बाई टू एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन बाई टू एक्स माइनस वन, ठीक है। तो यहां से अपन सॉल्व कर लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो एक्स माइनस वन माइनस फोर एक्स हो जाएगा डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन माइनस टू एक्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस थ्री एक्स माइनस वन, और ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस वन, तो ये थ्री एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन हो गया, ये आ गया आपका गॉफ एक्स। तो क्लियरली दिख रहा है गॉफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू माइनस वन, देयरफॉर गॉफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, क्योंकि वो उसका डोमेन में ही नहीं है। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है, बट आप हमेशा इस चीज को ध्यान देना उस नोट को कि गॉफ एक्स उन पॉइंट्स में भी अनडिफाइंड होगा जहां पे एफ एक्स नॉट डिफाइंड है। समझ में आ रहा है ना, एंड एज एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ गॉफ एक्स आर x is equal to minus 1 and 0, मतलब कौन सा पॉइंट पे वो डिसकंटिन्यूअस होगा, x equal to minus 1 पे होगा और x equal to 0 पे होगा, इन दोनों पॉइंट पे ये गॉफ फंक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। समझ आ रहा है, क्लियर है सर, पक्का, चल आगे देखते सर नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नोट कर लीजिएगा प्रॉपरली और उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे एक डिफाइन फंक्शन दे रखा है और डिफाइन फंक्शन के केस में कंपोजिशन कैसे निकालते हैं फंक्शन में मैंने आपको सिखा दिया, थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है बट ये सिंपल प्लेटफॉर्म दिया हुआ है। एक पॉइंट तो आप डायरेक्टली देख के बता सकते हो अगर एक्स इक्वल टू जीरो पे सिर्फ पूछता तब तो मैं डायरेक्टली एलिचल एलिचल निकाल के कर देता वो फंक्शनल वैल्यू, है ना, जीरो माइनस पे फंक्शनल वैल्यू क्या है, जीरो माइनस पे ये हो जाएगा मान लो माइनस टू माइनस, तो ये माइनस टू माइनस पे वापस एफ का वैल्यू चेक करता, उस प्रकार से आप कर लेते जैसे मैंने पहले भी लिमिट एक्जिस्टेंस कराया था कंपोजिट फंक्शन का, ठीक है, बट अब की बार आपको ओवरऑल पूरा रियल नंबर लाइन में पूछा है तो बेटर है कि इसको आप प्रॉपरली रिडिफाइन कर दो ताकि आपको चीजें और क्लियर हो जाए, ठीक है। तो देख लेते हैं f(f(x) क्या होगा, f(f(x) क्या होगा, मैंने लिखना सिखाया था आपको, ठीक है ना, तो सबसे पहले f में f को ही डालेंगे, ठीक है, f में f को ही डालेंगे, तो इस x के जगह पे 4 माइनस एक्स स्क्वायर को पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2, कॉमा देकर के क्या आएगा कि 4 माइनस x ग्रेटर देन 0 तो लेके आएगा ही साथो साथ, और 4 माइनस एक्स स्क्वायर जहां पे बैठ रहा है उसका कंडीशन साथो साथ सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, दैट इज 4 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0, और उसके साथ 4 माइनस एक्स स्क्वायर को डिफाइन होने के लिए x ग्रेटर देन 0 तो साथ में आएगा ही, ठीक है, फिर 4 माइनस एक्स स्क्वायर तो यहां पे बैठ गया, है ना, अभी आप 4 माइनस एक्स स्क्वायर को इसमें पुट करो, तो इसमें पुट करोगे तो क्या आएगा, x के जगह पे 4 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर आएगा, ठीक है, कॉमा देकर के आप ऐसे लिख सकते हो कि 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपना कंडीशन तो लेके ही आएगा, दैट इज x ग्रेटर देन 0, उसके साथ इंटरसेक्शन क्या आएगा, जहां पे बैठा उसका कंडीशन, दैट इज x ग्रेटर देन 0 है, तो ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, समझ आ रहा है। अभी आपका बारी है कि x माइनस 2 को पुट करो, तो x माइनस 2 को अगर x माइनस 2 के जगह पे ही अगर पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, बोलो कि x लेस देन इक्वल टू 0 तो सॉरी x less than equal to 0 तो उसका कंडीशन है ही, साथो साथ x minus 2 less than equal to 0 भी चलेगा कंडीशन, ठीक है ना, और फिर x minus 2 जब नीचे पुट करोगे तो x less than equal to 0 तो उसका कंडीशन है, साथो साथ x minus 2 greater than 0 एक और कंडीशन चलेगा। समझ आ रहा है क्या मेरी बात, क्लियर है, चलो तो यहां पे आपको क्लियर क्या दिख रहा है, 6 minus x square, बट ये इंटरवल क्या होगा, ये हो जाएगा 2 से इंफिनिटी, x belongs to 2 से इंफिनिटी दोनों का इंटरसेक्शन, ठीक है, फिर अगला आपको ये दिख रहा है 4 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, माइनस 2 से 2
और ये जीरो से बड़ा, ठीक है, तो ये हो जाएगा जीरो से टू, सही है। और ये बोल रहा है टू से छोटा, जीरो से छोटा, मतलब ये जीरो से छोटा हो जाएगा, मतलब x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से जीरो के लिए आंसर हो जाएगा x माइनस फोर, ठीक है। और इन दोनों का तो कोई इंटरसेक्शन नहीं है, फाइव है, तो ये फंक्शन तो नहीं रहेगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका f of x का रीडेफिनेशन ओवर द रियल नंबर नाइन। तो अभी देखो 2 से इंफिनिटी में पॉलिनोमियल, 0 से 2 के बीच में भी पॉलिनोमियल, माइनस इंफिनिटी से 0 में भी पॉलिनोमियल, तो ये सारे इंटरवल में ये फंक्शन तो कंटिन्यूअस होगा ही ना। बस डाउट पॉइंट कौन सा रह गया, डाउट कहां पे रह गया, x इक्वल टू 0 और 2 पे डाउट रह गया जहां पे फंक्शन अपना चेहरा को चेंज कर रहा है। तो चेक कर लो, 0 पे चेक कर लो कितना आ रहा है, माइनस 4। LHL भी कितना होगा, माइनस 4 ही होगा। RHL कितना होगा, 0 डालो यहां पे, RHL माइनस 12 हो गया, तो अनइक्वल हो गया, मतलब 0 पे क्या हो गया, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया, समझ में आ रहा है। 2 पे चेक कर लो, 2 डालो तो 2 स्क्वायर 4, यहां पे 2 आ रहा है फंक्शनल वैल्यू। LHL निकालो तो यहां पे 2 डालोगे तो 2 स्क्वायर 4 माइनस 4 0, तो इधर 4 आ रहा है ना, तो इधर से 2 इधर से 4 आ रहा है, मतलब अनइक्वल है, तो 2 पे भी क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो क्लियरली पता चल रहा है कि ये f of x जो फंक्शन है वो डायरेक्टली कहां पे डिसकंटिन्यूअस हो गया, एट x इज इक्वल टू 0 एंड 2, समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार से रीडिफाइन करके कर लो, मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर मुझे सिर्फ x इक्वल टू 0 पे f of x का कंटिन्यूटी पूछता तो मैं ये सब नाटक करता ही नहीं, समझ में आ रहा है ना, डायरेक्टली LHL RHL चेक करके बता देता। बोले तो कैसे बताते सर, LHL निकाल के दिखा रहा हूं, देख LHL क्या हो जाता, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस f of 0 माइनस, ऐसे ही तो होता ना, अभी 0 माइनस पे इसका वैल्यू क्या होगा, माइनस 2 माइनस होगा ना, तो ये माइनस 2 का माइनस होगा, अभी माइनस 2 माइनस में भी इसका आंसर क्या होगा, माइनस 4 ही होगा, समझ में आ रहा है ना। और सिमिलरली RHL अगर निकाल करके देख लोगे तो ये क्या हो जाएगा, f of 4 माइनस 12 आएगा, समझ में आ रहा है ना, ये f of 4 हो जाएगा, और f of 4 कितना हो जाएगा, 4 माइनस 16 माइनस 12 आ जाएगा, तो ये इक्वल नहीं है, तो x इक्वल टू 0 पे डिसकंटिन्यूअस, इतना कुछ करना ही नहीं पड़ता। बट एज यहाँ पे x इक्वल टू 0 पे नहीं पूछा है, थ्रू आउट द रियल नंबर लाइन पूछा है, तो इसीलिए मुझे और भी बाकी किसी जगह पे डिसकंटिन्यूअस हो सकता है ना, उसका गारंटी मैं कैसे दूंगा। अगर fx का बात करता तब तो सिर्फ 0 पे चेक करके ही बोल देते, बट यहाँ पे एज यहाँ पे f of x पूछा है, तो f of x पहले तो निकालना पड़ेगा, अदरवाइज पता नहीं चलेगा ना। जैसे देखो 2 पे डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, बट इसको देख करके आप कैसे कंक्लूड करोगे, समझ में आ रहा है ना, इसीलिए आप f of x को रीडिफाइन करके अच्छे से चेक कर लिए, ठीक है। तो दिस ऑल अबाउट कंटिन्यूटी ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन, इतना ही फ्लेवर है, और उसमें कोई पैटर्न बनता नहीं है, और बनने का और क्या चांसेस है, सारी चीज बता रखा है, ठीक है। तो अभी अगला चीज देखते हैं अपन और आगे कंटिन्यू करते चीजों को, तो चलिए देख लेते अभी एक्सरसाइज 1 के और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सरसाइज 2 भी कुछ लिया है इसी प्लेटफॉर्म, एक ही प्लेटफॉर्म में इजीली ले लिया। ये जो भी क्वेश्चन है ये शायद बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है दोस्त, पहले बता देता हूँ, एक्सरसाइज 1 में आ गया गलती से, बट नहीं है ये क्वेश्चन जो है ये भी अभी तक तो बोर्ड में नहीं आया, बट आपका बोर्ड वाले किताब में ये दिया हुआ है, इसीलिए मेरे को कराना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दिस आर द काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फंक्शनल इक्वेशंस, है ना, कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शनल इक्वेशंस के ऊपर आपको बातचीत करना है, ठीक है। तो आ सकता है बिल्कुल, है ना, बोर्ड में अगर एक अच्छा पेपर डिजाइन करने के बारे में वो लोग सोचे तो प्रॉपरली ये एक चॉइस हो सकता है, ठीक है। तो देखते हैं पहले इस सवाल को, देखते हैं फिर आगे बातचीत करेंगे, है ना, ठीक है। तो बेसिकली 28-29 के बाद जो भी क्वेश्चंस है उसमें लास्ट में मान लो आप एग्जैक्टली नंबर याद नहीं है, बट 28 के बाद वो थोड़ा सा मिक्सिंग है, है ना, क्वेश्चन में जेई बोर्ड्स मिक्सिंग हो गया थोड़ा सा एक्सरसाइज 1 में। तो देखिए इस सवाल में क्या बोल रहा है, एक फंक्शनल रूल आपको दे रखा है, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स एफ वाई फॉर ऑल एक्स एंड वाई, मतलब सारे रियल वैल्यूज के लिए सेटिस्फाइड है। And if fx is continuous at x equal to 1, then show that it is continuous for all x. ठीक है? मतलब सारे real values के लिए continuous है, वो आपको बता देना है, ठीक है? तो अगर fx continuous है x equal to 1 पे, तो limiting value of fx x tending to 1 क्या हो जाएगा? f of 1 के equal होगा, but f of 1 का तो value नहीं पता हमें, ठीक है? तो सबसे पहले उस जगह पे आपको hint करना होगा कि how to determine the value of f of 1, समझ में आ रहा है, clear है? तो f of 1 का वैल्यू निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले देखो वी हैव, आप जानते हो फंक्शनल रूल में ये सब मैंने आपको बहुत सिखा चुका हूं ऑलरेडी फंक्शन पार्ट 3 में, कि हाउ टू डिटरमाइन कौन पर्टिकुलर वैल्यूज फ्रॉम फंक्शनल रूल, ठीक है। आप सब्स्टिट्यूशन कर दो कोई भी वैल्यू, f of 1 का वैल्यू चाहिए तो आप सीधा सीधा देख सकते हो ना कि x और y दोनों को 1 डालोगे तो काम बन जाएगा, ठीक है ना। तो x y दोनों को अपन क्या डाल देते, 1 डाल देते,
ठीक है, एक्स वन दोनों को वन अगर डालेंगे तो एफ ऑफ वन इधर हो गया और इधर हो जाएगा आपका एफ वन इंटू एफ वन होल स्क्वायर। तो यहां से अगर मैंने सिंप्लीफाई किया तो एफ ऑफ वन का वैल्यू जो हमारे पास निकल करके आएगा वो या तो जीरो होगा या तो आपका वन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अभी ध्यान से देखो, अभी ध्यान से देखो, तो f ऑफ वन का आपके पास दो ऑप्शन हो गया, या तो जीरो या तो वन। तो अभी आपको इसको दो पार्ट में डिवाइड करके प्रूफ करना होगा। ठीक है, केस वन, इफ f ऑफ वन इज जीरो, इफ f ऑफ वन इज जीरो देन एफ एक्स को मैं किस प्रकार से लिख सकता हूं? चल y का वैल्यू यहां पे वन डाल देता हूं, सिर्फ y का वैल्यू वन। तो f ऑफ x को क्या मैं f ऑफ x इंटू वन लिख सकता हूं? बराबर, कोई इश्यू नहीं है। तो f ऑफ x इंटू वन विल ब्रेक इंटू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वन, और एफ ऑफ वन का वैल्यू जीरो है तो जीरो इंटू एफ एक्स जीरो हो गया। मतलब यहां से एफ एक्स का वैल्यू जो है वो क्या आ गया? जीरो आ गया फॉर ऑल एक्स। समझ में आ रहा है? तो एफ एक्स जीरो आ गया, मतलब क्या? एफ एक्स एक कॉन्स्टेंट फंक्शन है जो कि कंटिन्यूअस होता है एवरीवेयर। समझ में आ रहा है ना? देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स। यहां से तो ये प्रूफ हो गया। समझ में आ रहा है? अभी मुद्दे का चीज है कि अगर f1 जीरो नहीं होता है तब इसको कैसे करें? नहीं आ रहा है? केस नंबर टू, समझ में आ रहा है कि इफ f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, अगर f ऑफ 1 का वैल्यू क्या हो जाता है? 1 हो जाता है, तब ये क्या होगा वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, अगर f ऑफ 1 का वैल्यू 1 हो गया तो इतना सा आप कर सकते हो, इतना तो बोल सकते हो ना, एज एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, देयरफॉर लिमिट ऑफ एफ एक्स x tending to 1 minus is equal to limit of fx, ऐसे लिख रहा हूं, x tending to 1 plus is equal to f of 1 which will be 1। तो limiting value भी कितना आ गया? 1 आ गया। समझ में आ रहा है ना? ये confirm हो गया, limiting value 1 हो गया। चलो, तो इसको अगर मैं h के format में लिख देता हूं तो और अच्छा होगा। तो ये h tending to 0 f of 1 minus h is equal to, ये हो गया तुम्हारा h tending to 0 f of 1 plus h, f of 1 plus h is equal to 1 हो गया। ठीक है, इक्वेशन नंबर वन मार्क करके रखो। अभी आपको प्रूफ क्या करना है कि एफ एक्स जो है वो कंटिन्यूअस एवरीवेयर, मतलब हर किसी वैल्यू पे वो कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो कोई ना कोई पर्टिकुलर वैल्यू आप एज्यूम कर लो और उस जगह पे प्रूफ कर दो। ठीक है, लेट अस एज्यूम, लेट अस एज्यूम एक्स इज इक्वल टू ए, बी एन आर्बिट्ररी एलिमेंट। समझ में आ रहा है ना? नाउ एट x इज इक्वल टू ए, नाउ एट x इज इक्वल टू ए एलएचएल निकाल के दिखाओ। एलएचएल क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, ऑब्वियसली f ऑफ a माइनस h होगा। बट आप जानते हो कि अगर आपको फंक्शनल रूल यूज करना है, क्योंकि यहां से तो फर्दर आप कुछ कर नहीं पाओगे, जैसे लॉगरिथमिक साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कंटिन्यूअस एवरीवेयर प्रूफ किया था ना, उसको लंबा करने के लिए कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट कराया था उधर, अगर एडजस्टमेंट कराया था उधर तो इसी चीज को आप यहां पे भी अपना सकते हो, जैसे कि लिमिट h टेंडिंग टू जीरो। समझ आ रहा है ना? आप यहां पे एडजस्टमेंट क्या करोगे? बस इस चीज को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करोगे, x इंटू y के फॉर्मेट में कन्वर्ट करोगे, ताकि आप इसको fx इंटू f ऑफ y में ब्रेक कर पाओ, क्योंकि जब तक ब्रेक नहीं करोगे यहां से तो कुछ पता नहीं चल रहा है। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? डायरेक्टली ये दिख जरूर रहा है कि h जीरो अगर होगा तो ये a के नजदीक होगा, बट a के नजदीक होगा तो f ऑफ a किस पैटर्न में होगा वो तो किसी को नहीं पता ना। बिकॉज अगर ये मान लो a का वैल्यू हो गया, ये h अगर जीरो के नजदीक हो गया तो ये f ऑफ a माइनस हो जाएगा, a माइनस। तो अभी f ऑफ a माइनस में हमेशा जो आंसर f ऑफ a के इक्वल ही आएगा वो गारंटी थोड़ी ना है। बिकॉज अगर आपका फंक्शन बॉक्स x हो गया तो a माइनस, मान लो a का वैल्यू 2, 2 माइनस पे बॉक्स तो 1 दे देता है, बट अगर इसको आप f ऑफ 2 लिख देते हो तो बॉक्स ऑफ 2 तो 2 आ जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा यहाँ पे। इसीलिए यहाँ पे डायरेक्टली मैं नहीं कर सकता, डायरेक्टली यहाँ से मैं f ऑफ a नहीं लिख सकता। समझ में आ रहा है ना? एकदम डीप में जाके बता रहा हूं, ध्यान से पकड़िएगा इस चीज को। ठीक है, तो यहां से अपन क्या करेंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए a कॉमन ले लेंगे और ये 1 माइनस h बाई a हो गया। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? तो ये h टेंडिंग टू जीरो हो गया और इसको तुम दो प्रोडक्ट में ब्रेक कर दो, इस प्रकार से ब्रेक कर दो। समझ में आ रहा है क्या? अभी तुम जरा ध्यान से देखो, f ऑफ a तो पूरा पूरा कांस्टेंट हो गया, इसको बाहर लेके आ जाओ। तो f ऑफ a तो पूरा पूरा कांस्टेंट हो गया, ये बाहर चला गया, और इधर लिमिट h टेंडिंग टू जीरो f ऑफ 1 माइनस h by a हो गया। अभी अगर h जीरो को टेंड कर रहा है तो ये किसको टेंड करेगा? ऑब्वियसली f ऑफ 1 को टेंड करेगा, और f ऑफ 1 का वैल्यू क्या है, ये क्या आ जाएगा इसका लिमिटिंग वैल्यू? f ऑफ 1 आ जाएगा, बिकॉज h 0 को टेंड कर रहा है। तो f ऑफ 1 का वैल्यू क्या है? 1 है। तो f ऑफ a इनटू 1 कितना आ जाएगा? f ऑफ a आ जाएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर?
सिमिलरली आप यहाँ पे बोल सकते हो RHL से भी आप इसी प्रकार से a प्लस h के थ्रू सॉल्व करके एफ ऑफ ए निकाल सकते हो और फिर ये बता सकते हो कि एज LHL इक्वल टू RHL इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू एट x इक्वल टू a, देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a. और अगर x इक्वल टू a पे कंटिन्यूअस हो गया तो x इक्वल टू a मतलब कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट तो ये कंटिन्यूअस हो जाएगा फॉर ऑल x. ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से पूरे पूरे कहानी को आप आराम से कंक्लूड कर पाओगे. ये बेसिकली एक आपका सब्जेक्टिव प्रॉब्लम हो गया है ना. आगे देखते हैं रिमेनिंग क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, और उनको समझने का प्रयास करते हैं. चलो देखते आगे, देखते ध्यान से समझो बात को, है ना. देखो तो नोट कर लीजिएगा प्रॉपरली आप, है ना. मैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूँ. देखो मैंने आपको लेक्चर कितने कौन सा लेक्चर लेक्चर वन में शायद लास्ट में एक नोट बताया था बॉक्स सेक्स कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होता है आप जानते हो. ये सारे के सारे मेजर पहला दोनों क्वेश्चन ही बॉक्स के ऊपर दिख रहा है, लास्ट का दोनों भी बॉक्स के ऊपर दिख रहा है, ठीक है ना. तो ब्रॉक बॉक्स या फिर फ्रैक्शन पार्ट ये सब अगर आ गया तो आप जानते हो ये सब डिसकंटिन्यूअस होता है इंटीजर पॉइंट्स पे, ठीक है. एक्स अगर इंटीजर हो गया तो ये सब डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना. तो आपको इसी बात का ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे कि अगर बॉक्स इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस होता है तो बॉक्स के अंदर वाला भी डिसकंटिन्यूअस कहां पे होगा, जहां पे मतलब बॉक्स ऑफ लॉग एक्स भी डिसकंटिन्यूअस कहां पे होगा, जहां पे लॉग एक्स इंटीजर होने को सोचेगा, समझ आ रहा है ना. जहां पे लॉग एक्स इंटीजर होगा उस जगह पे बॉक्स ऑफ लॉग एक्स क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा. लास्ट वाला क्वेश्चन को अच्छे से कंक्लूड करके लिख देना, ठीक है ना. मेरा जगह नहीं था तो मैंने वो लिखा नहीं अच्छे से. RHL के बाद RHL निकालना पड़ेगा, फिर दिखाओगे एज RHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू, देयरफॉर fx इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x, ठीक है. तो ये दोनों केस में प्रूफ हो गया, है ना. तो इसको देखो, बोला है इसका कंटिन्यूटी में बातचीत करने के लिए. अभी fx इक्वल टू बॉक्स फंक्शन ये कंटिन्यूअस किधर होगा आप जानते हो भाई, ये कंटिन्यूअस किधर होगा, ये कंटिन्यूअस किधर होगा बोलो, ध्यान से सोचो ये कंटिन्यूअस किधर होगा. ये कंटिन्यूअस हर जगह पे होगा एक्सेप्ट दोज वैल्यूज वेयर लॉग एक्स इज इंटीजर, समझ में आ रहा है ना. एक्सेप्ट दोज वैल्यूज वेयर लॉग एक्स इज इंटीजर. बट ये नोट कब काम आता है, जब एफएक्स बॉक्स ऑफ एफएक्स डिसकंटिन्यूअस उसी पॉइंट्स में होता है जहां पे एफएक्स इंटीजर होता है. ये नोट कब काम होता है, कब वैलिड होता है, जब एफएक्स एक मोनोटोनिक फंक्शन होता है. और आप जानते हो log x हमेशा एक मोनोटोनिक फंक्शन है, चाहे बेस कुछ भी हो, या तो इंक्रीजिंग होगा या तो कंप्लीटली डिक्रीजिंग होगा, समझ में आ रहा है ना, ठीक है. तो log x एक मोनोटोनिक फंक्शन है, उस वजह से अपन बोल सकते हैं कि यहाँ पे पूरा कहानी जो है वो क्या होगा हमेशा, पूरा कहानी जो है वो क्या होगा हमेशा आपका मतलब वही पे डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा जहां पे log x इंटीजर होगा, समझ में आ रहा है ना, ठीक है. तो इसको आप प्रॉपरली एक्सप्लेन करके लिख देना, मैं इतना कुछ नहीं लिख रहा हूं, आप प्रॉपरली एक्सप्लेन करके अपने कॉपी में ये सब लॉजिक्स लिख के रखना, ठीक है. तो देखो आप ध्यान से देखो कि log x इंटीजर कहां पे होता है, वही तो आपको सोचना है ना, कि दोस पॉइंट्स में ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा जहां पे log x इंटीजर होगा. अभी log x इंटीजर कहां कहां पे होता है, ठीक है. तो log x इंटीजर मान लेते, कोई भी k मान लेते इसको, ठीक है. तो x का वैल्यू हो जाएगा यहां से e टू दी पावर k फॉर ऑल k बिलोंग्स टू z, ठीक है ना. तो यहाँ पे इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी मिल जाएगा. बोले तो कैसे, इन्फिनिटी से चलता आएगा, फिर 1 बाई ई स्क्वायर 1 बाई ई, जीरो जब डालेंगे तो 1 होगा, फिर e टू दी पावर 1 ई स्क्वायर एंड सो ऑन चलता जाएगा. ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी मिल जाएगा इस केस में, समझ में आ रहा है, क्लियर है भाई, पक्का. तो इसको एक्सप्लेन करके प्रॉपरली लिख के रखना, मैं एक्सप्लेन कर दिया आपको. अभी अगला क्वेश्चन देखो, बॉक्स वाला अगला क्वेश्चन देखो कि बॉक्स ऑफ 2 बाई एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बॉक्स ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना. एक्स का वैल्यू क्या बोल रहा हूँ, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो बोल रहा हूँ. एक्स का वैल्यू क्या बोला मैंने, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो बोला, समझ आ रहा है क्या मेरी बात, ध्यान से देखो. अगर ये 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो ये बॉक्स ऑफ fx डिसकंटिन्यूअस कहां पे होगा, जहां पे fx इंटीजर हो रहा है. बट क्या वास्तव में fx इंटीजर होगा या फिर नहीं, वो लॉजिक कब लगा पाएंगे, जब fx एक मोनोटोनिक फंक्शन होगा. बट हमें तो नहीं पता ना कि fx मोनोटोनिक है या नहीं, तो चेक करना पड़ेगा fx का मोनोटोनिसिटी. कैसे चेक करोगे, उसको डिफरेंशिएट करो. अभी इस चीज को डिफरेंशिएट करना इतना टफ भी नहीं है, सिंपल ये क्वेश्चन रूल लगाओगे. क्वेश्चन रूल कैसे लगाओगे, डिनोमिनेटर का स्क्वायर नीचे क्या आएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ठीक है. ऊपर क्या आएगा, डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर दैट इज जीरो,
माइनस न्यूमरेटर दैट इज 2 इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ट्वाइस एक्स, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस 4x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है ना, क्लियर। अभी x का वैल्यू क्या बोल के दिया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ये हमेशा लेस देन इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव है ही, तो न्यूमरेटर नेगेटिव हो गया ना पूरा पूरा, तो ये ओवरऑल एक्सप्रेशन हमेशा नेगेटिव होगा। अगर ये f(x) हमेशा नेगेटिव है तो कंफर्म है कि ये फंक्शन मोनोटोनिक है, अगर ये फंक्शन मोनोटोनिक है तो ये कहां पे डिस्कंटीन्यूअस होगा, जहां पे 2/1+x² इंटीजर होगा। अभी 2/1+x² का वैल्यू ही तो दिख रहा है ना क्लियरली, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2/1+x², वी नो x² इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 1+x² इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, देयरफॉर 2/1+x² का जो रेंज होगा वो कितना हो जाएगा, 2/1 से इंफिनिटी, तो 2/∞ 0 और 2/1 2, तो ये 0 से 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2/1+x² के पास दो ही ऑप्शन है, या तो वो क्या हो सकता है, इसका वैल्यू तो 0 से 2 के बाहर जाएगा नहीं ना, तो इंटीजर कहां कहां पे होगा, सिर्फ 1 और 2, दो ही तो इंटीग्रल ऑप्शन है ना इसके लिए, तो या तो वो 1 होगा या तो 2/1+x² 2 होगा। तो अगर 2 हो जाता है तो x का वैल्यू 0 हो जाएगा, और अगर इस प्रकार से हो जाता है तो x का वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस 1, बट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देयरफॉर माइनस 1 रिजेक्ट कर देंगे, तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी जो आएगा वो सिर्फ 0 एंड 1 आ जाएगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है, मैं बड़ा रफ तरीके से कर रहा हूं बट आप उसको प्रॉपरली फेयर तरीके से कर लीजिएगा, समझ में आ रहा है, क्लियर है भाई, पक्का हो गया ना भाई, चलो आगे देखते हैं, क्लियर है। पहला दोनों क्वेश्चन हो गया, अभी आप समझ गए होंगे, थोड़ा बहुत तो आइडिया लग रहा होगा कि बॉक्स फंक्शन, फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन, ये सब का डिस्कंटिन्यूटी, पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी कैसे निकालेंगे, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। अभी थोड़ा बहुत आपको धीरे धीरे आइडिया लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है, चलिए आगे देखते अगला क्वेश्चन देखिए, सिग्नम, आप जानते हो सिग्नम कहां पर डिस्कंटिन्यूअस होता है, जानते हो, सिमिलरली बॉक्स वाला फंक्शन, मैंने तो एक नोट दिखा करके दिया था बस बॉक्स से, आपको तो हर किसी से करना होगा, सिग्नम कहां पे डिस्कंटिन्यूअस होता है जानते हो, x इक्वल टू 0 पे, तो सिग्नम ऑफ fx कहां पे डिस्कंटिन्यूअस होगा, जहां पे ये fx 0 होगा, जहां पे ये fx 0 होगा, मतलब 2x का वैल्यू 1 होगा, मतलब cos x का वैल्यू 1 होगा, मतलब cos x का वैल्यू हाफ होगा, मतलब x का वैल्यू 2nπ प्लस माइनस पाई बाई 3 होगा, जहां पे n बिलोंग्स टू z, ठीक है ना। तो दिस आर द इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑफ डिस्कंटिन्यूटी फॉर दिस फंक्शन, ठीक है ना, क्लियर है, ऐसे अनंत पॉइंट मिलेंगे जहां पे ये फंक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, डिस्कंटिन्यूअस हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना, तो ये भी हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा अच्छा सवाल है, देखो जरा लिमिट के फॉर्मेट में दिया हुआ है, कोई हवा नहीं लगेगा, अगर इस टाइप की क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं है, गया आपके हाथ से ये क्वेश्चन, याद रखिएगा एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ये सब हैवी लोड को सोच लेना मुश्किल है, जो आता है उसी को बच्चा सोच नहीं पाता है, ठीक है, और जो कभी देखा ही नहीं जिंदगी में, यार आज के क्लास में एक सवाल कराऊंगा आपको, मजा आ जाएगा यार पूरा, शायद मान लो सारे कैलकुलस के शेट के मिला वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट क्वेश्चन है वो, ठीक है। कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएबिलिटी तो चलो बाद में बात कर लेंगे, बट कंटिन्यूटी मैं अभी बता दूंगा इसका, ठीक है, आपका शीट में ही है, शीट में ही है, मैं बताऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है ना। तो fx इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी x टू द पावर 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाय x टू द पावर 2n प्लस 1, समझ में आ रहा है, क्लियर है भाई, चलो। तो आप जानते हो कि सर लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी वाला दो तीन चीजें आसपास घूमता रहता है, वो क्या है कि कभी ना कभी लिमिट में सर ने ये चीज सिखाया था कि आपको कि इसका आंसर क्या होता है, आप बोले थे कि इसका आंसर कंप्लीटली डिपेंड हो जाएगा a के ऊपर, अगर a 1 से बड़ा है तो 1 से बड़े वाले के पावर में इंफिनिटी होगा तो आंसर इंफिनिटी को टेंड करेगा, अगर a 1 से छोटा है तो 1 से छोटे वाले के पावर इंफिनिटी तो आंसर 0 हो जाएगा, अगर a का वैल्यू एग्जैक्टली 1 है तो इसका आंसर 1 ही होगा हमेशा, ठीक है, क्लियर है, इसका सही चल रहा है भाई, हाँ देखो तो ये क्या हो जाएगा, उसी लॉजिक को ध्यान से जरा अप्लाई करो इस जगह पे, ठीक है, ध्यान से जरा अप्लाई करो तो आपको वो कहानी जो है वो पूरा पूरा समझना शुरू हो जाएगा, जरा ध्यान से देखिएगा मैं इसको किस प्रकार से अरेंज करता हूं, किस प्रकार से सोचता हूं, मेरे को एफएक्स का नाम और निशान नहीं दिख रहा है, तो कंटिन्यूटी कहां से चेक करें, पहले तो डिफाइन कीजिए इस लिमिट को, डिफाइन कीजिए पहले इसको, बनाइए एफएक्स के लाइक बनाइए इसको, ठीक है। देखो क्या इस चीज को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं,
है ना, ये जो a का जिस a को आप ढूंढ रहे थे ना, वो a आपको मिल चुका है, देखो x square, समझ में आ रहा है ना। तो अभी मैं क्या बोलूंगा, अभी मैं बोलूंगा कि अगर x square का वैल्यू 1 से बड़ा हुआ, क्या हुआ, अगर x square का वैल्यू 1 से बड़ा हुआ, अगर x square 1 से बड़ा हुआ तो ये चीज इंफिनिटी को टेंड कर गया, मतलब लिमिट इंफिनिटी बाई इंफिनिटी हो गया, तो हाइएस्ट पावर से डिवाइड करने से आंसर क्या आ जाएगा, 1 बाई 1 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तब समझ में आ रहा है ना, क्लियर है, पक्का, देखो इनबिल्ट लिमिट टाइप का है, समझ में आ रहा है ना। फिर अगर x square आपका 1 से छोटा हो गया, मान लो x square 1 से छोटा हो गया, तो ये चीज क्या हो जाएगा, 0, ये चीज भी क्या हो जाएगा, 0, तो माइनस 1 बाई 1 आंसर कितना आ जाएगा, माइनस 1, समझ में आ रहा है ना। और अगर x square का वैल्यू 1 आ गया, अगर x square का वैल्यू 1 आ गया तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 बाई 1 प्लस 1 2, आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो समझ ही आ रहा होगा कि आपको कैसे करेंगे हम लोग, तो ये क्या हो गया, ये आंसर तुम्हारा 1 हो गया, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस 1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, समझ में आ रहा है ना। फिर आंसर माइनस 1 हो गया फॉर ऑल x बिलोंग्स टू माइनस 1 से 1, और आंसर 0 हो गया फॉर x इक्वल टू प्लस माइनस 1, समझ में आ रहा है ना। तो अभी बाकी सारे इंटरवल में तो फंक्शन कांस्टेंट है, कंटिन्यूअस होगा पता ही चल रहा है, तो बस डिसकंटिन्यूअस होने का चांसेस कहां पे है, डाउट पॉइंट कहां पे है, माइनस 1 और 1 पे, चेक कर लो माइनस 1 और 1 पे, ठीक है ना। माइनस 1 पे एलएचएल है, क्या एलएचएल क्या है, 1 है, आरएचएल माइनस 1 है, तो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, है ना, माइनस 1 पे डिसकंटिन्यूअस, 1 पे फंक्शनल वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू तो इक्वल ही नहीं होगा, तो यहां पे भी डिसकंटिन्यूअस, तो ये दोनों हो गया पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन, समझ में आ रहा है ना। कितना खूबसूरत क्वेश्चन है, देखो पहले जो सवाल देख के पता ही नहीं चलता है fx किधर है, किधर fx, हमें तो सब जगह पे n ही n दिख रहा है, तो इस n को समझते हुए आपको fx यहाँ पे निकालना पड़ा सबसे पहले, और फिर ये fx वो वही बच्चे निकाल पाएंगे जिनको ये इनबिल्ट लिमिट का समझ है थोड़ा बहुत, ठीक है ना, एक लिमिट के अंदर दूसरा लिमिट घुसा हुआ है, ठीक है। तो ये फंक्शन को हमने रिडिफाइन किया, उसके बाद जाकर के उसका कंटिन्यूटी चेक किया। सिमिलरली अगला वाला भी वही चीज आपको दिख रहा है, इसको क्या करोगे, इसको आप इसी प्रकार से कर दोगे ना, cos square x होल टू दी पावर n, और बोलोगे अभी cos square x तो कभी भी 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता, एक ही ऑप्शन है, या तो 1 से छोटा होगा या तो ये खुद 1 होगा, समझ में आ रहा है ना। तो अगर cos square x खुद 1 हो गया, अगर cos square x खुद 1 हो गया तो ये क्या होगा बोलो, अगर cos square x, अच्छा cos square x का वैल्यू 0 से 1 होगा, अच्छा 0 से 1 होगा ना, 0 से 1 होगा, ठीक है। अगर cos square x 0 हो गया तब तो आंसर 0 है, अगर cos square x 0 से 1 के बीच में रहा, ओपन इंटरवल 0 से 1, तब भी तो उसके पावर में जब इंफिनिटी आएगा तो आंसर 0 होगा, मतलब पूरा पूरा इंटरवल के लिए, पूरा पूरा इंटरवल cos square x belongs to 0 से ओपन 1, इस पूरा पूरा इंटरवल के लिए आंसर 0 ही आएगा, और जब cos square x का वैल्यू 1 आ जाएगा तब आंसर सिर्फ 1 टू द पावर एनीथिंग, आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो यहां पे तो सिर्फ दो पॉसिबिलिटी, क्योंकि cos square x तो 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता है ना, क्लियर है, तो यहां पे दो पॉसिबिलिटी बन गया, ठीक है। तो cos square x is equal to 1, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन, x is equal to n pi होगा, क्योंकि cos x का वैल्यू प्लस 1 भी आएगा माइनस 1 भी आएगा, तो प्लस 1 हो जाएगा आपका इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे, और माइनस 1 हो जाएगा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे, तो ओवरऑल अगर लेंगे तो इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई आएगा ना, तो 1 कब हो जाएगा जब x का वैल्यू n पाई, ठीक है, और 0 कब हो जाएगा जब x का वैल्यू n पाई नहीं है, जहां पे n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। तो कौन कौन सा पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा, सोचो ना, x का वैल्यू 1 डालो कितना आएगा पाई, तो पाई पे ही तो फंक्शनल वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू इक्वल नहीं दिख रहा है, लिमिटिंग वैल्यू हर पाई का मल्टीपल पे लिमिटिंग वैल्यू 0 दिख रहा है, और हर पाई का मल्टीपल पे फंक्शनल वैल्यू 1 दिख रहा है, तो लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू तो कभी भी इक्वल नहीं होगा, किसी भी चाहे n का वैल्यू कुछ भी पुट करो कभी भी इक्वल नहीं होगा, मतलब क्या, हर इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई में फंक्शन क्या शो करेगा, डिसकंटिन्यूटी शो करेगा। तो इस फंक्शन के लिए कितना पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो गया, इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, और वो सारे के सारे कौन है, 0 प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 3 पाई प्लस माइनस 4 पाई एंड सो ऑन डॉट डॉट, ठीक है। तो ये हो गया इसका कंसेप्ट, मिक्सचर ऑफ कंटिन्यूटी, लिमिट्स, स्पेशली इनबिल्ट लिमिट्स, और दिमाग तो है ही भाई, ठीक है, क्लियर है। तो इस प्रकार से हमने कुछ अच्छे क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से डिस्कस कर लिए, अभी आगे की बात देखते हैं, अगला क्वेश्चन जो बॉक्स के फॉर्मेट में दिया हुआ, देखो बॉक्स के फॉर्मेट में जो भी दिया हुआ है उसको प्रॉपरली देखो, तो चलो अगला क्वेश्चन, fx इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ
साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। बेसिकली इसको ग्राफ भी बना के दूंगा मैं, ठीक है। अगला एक और क्वेश्चन है ना, तो जरा ध्यान से देखते हैं इस क्वेश्चन को। एफ एक्स इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, अगर ये करा दिया तो बॉक्स ऑफ साइन एक्स, बॉक्स ऑफ कॉस एक्स, ये सब बना लोगे आप आराम से, कोई इश्यू नहीं है। जरा ध्यान से समझना, इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन में भी काम आएगा ये सब, ठीक है। इसीलिए लोगों को डेफिनेट इंटीग्रेशन पसंद नहीं है, बट इट डेफिनेट पसंद है, क्यों? क्योंकि उधर दिमाग नहीं लगता और डेफिनेट में दिमाग लगता है, ठीक है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को अपने को सॉल्व करना है, तो बेटर है कि साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों को एनालाइज करने के बजाय आप एक को एनालाइज करो, ठीक है ना। इसको चेंज कर दो, किसमें, किसमें चेंज कर दो, एक साइनोसॉइडल में चेंज कर सकते हो ना इसको, रूट टू इंटू साइन एक्स प्लस पाई बाई फोर, ये तो बहुत बार सिखा दिया, रूट टू से मल्टीप्लाई डिवाइड करना, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप इसको कर सकते हो आराम से। अभी आप जरा ध्यान से देखो कि आप साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाई फोर का ग्राफ किस तरीके से बना सकते हो। आप जानते हो कि अगर आपको साइन एक्स का ग्राफ आता है तो साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाई फोर का ग्राफ आप कैसे निकालोगे, बाय शिफ्टिंग द ग्राफ पाई बाई फोर यूनिट्स इन द लेफ्ट साइड, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना होगा, तो वैसे के लिए इस जगह पर लफड़ा आ गया है ना, अभी मेहनत कराएगा आपसे, ठीक है। चलो तो जरा ध्यान से देख लेते हैं, अगर प्रॉपरली ग्राफ बनाना है, ये हो गया था हमारा साइन एक्स, है ना, ऐसे हो गया था हमारा साइन एक्स, नहीं ज्यादा फैल गया, नहीं ये हो गया था हमारा साइन एक्स, सही बात है भाई। ये अगर साइन एक्स है तो अभी साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाई फोर कैसे निकालेंगे, बोलो ना, बोलो सर, साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाई फोर कैसे निकालेंगे, क्या कर सकते हैं, पाई बाई फोर यूनिट ग्राफ को लेफ्ट में शिफ्ट करना है, ठीक है। तो पाई बाई फोर यूनिट ग्राफ को अगर लेफ्ट में शिफ्ट करना है तो ये जो ग्राफ बनेगा ये क्या बनेगा, जरा ध्यान से देखिएगा, है ना, ये आपका क्या रहा, जीरो, ये पाई, ये टू पाई, ठीक है, ये क्यों हो जाएगा माइनस पाई माइनस टू पाई एंड सो ऑन चलेगा, ठीक है। तो पाई बाय फोर यूनिट ग्राफ को लेफ्ट में शिफ्ट करना, ठीक है, लेफ्ट में शिफ्ट करना, तो पाई बाय फोर, तो ये जीरो आ जाएगा यहां पे माइनस पाई बाय फोर पे, ठीक है ना, ये माइनस पाई बाय फोर पे आ जाएगा, ठीक है। फिर ये पाई आ जाएगा पाई बाई फोर पहले, कितना हो जाएगा थ्री पाई बाई फोर पे, फिर ये टू पाई आ जाएगा माइनस पाई बाई फोर, तो ये कितना हो जाएगा सेवन पाई बाई फोर, ठीक है। फिर ये थ्री पाई हो जाएगा थ्री पाई माइनस पाई बाई फोर, तो ये हो जाएगा अलेवन पाई बाई फोर, ठीक है। ये माइनस पाई बाई फोर, तो ये हो जाएगा आपका फाइव पाई बाई फोर माइनस फाइव पाई बाई फोर, ये हो जाएगा माइनस नाइन पाई बाई फोर, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो ग्राफ जो होगा वो जीरो पे कितना रहेगा, जीरो पे रहेगा आपका, जीरो पे कितना आएगा, जीरो पे हो जाएगा आपका, आपके पास जीरो पे क्या हो जाएगा भाई, जीरो पे हो जाएगा कहीं ना कहीं साइन पाई बाई फोर हो जाएगा वन बाई रूट टू, ये बॉक्स ऑफ वन तो वन ही है, साइन एक्स, मैं सिर्फ इसका ग्राफ बना रहा हूं अभी, हाँ, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का, तो अच्छा वापस तो रूट टू टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, तो रूट टू टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो पहुंच जाएगा साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाई फोर वन बाई रूट टू, तो ग्राफ कुछ ऐसे आएगा अभी। अच्छा यहाँ पे मैक्सिमम कहाँ पे आएगा, मैक्सिमम आएगा आपका पाई बाई फोर पे, नहीं पाई बाई फोर पे आएगा मैक्सिमम, तो ग्राफ कुछ ऐसे चलेगा, इधर से ऐसे चलेगा, ठीक है, ऐसे चलेगा। अभी आपको रूट टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बाहर आपका रूट टू है ना, पहले मुझे साइन एक्स से मैंने क्या बनाया, साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाई फोर बनाया, सही बात है, और फिर उसमें मैं रूट टू का आउटपुट स्केलिंग कर दूंगा, ठीक है ना। तो रूट टू से अगर आउटपुट मल्टीप्लीकेशन किया तो रेंज हो जाएगा माइनस रूट टू से प्लस रूट टू, तो ये वाला जो वैल्यू है ये मैक्सिमम वैल्यू ये चेंज हो जाएगा ना भाई, ये चेंज होकर के हो जाएगा आपका रूट टू, और ये मिनिमम वैल्यू चेंज होकर के हो जाएगा माइनस रूट टू,
सही है क्या? क्लियर है? तो अगर मैं प्रॉपर ग्राफ बनाऊं इसका, तो आप देख सकते हो प्रॉपर ग्राफ कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, है ना? प्रॉपर ग्राफ कुछ किस प्रकार से हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, नहीं? ठीक है, ये वैल्यू क्या होगा रूट टू और ये वैल्यू क्या होगा माइनस रूट टू, सही है क्या? ठीक है, तो अभी आपको देखना पड़ेगा कि इसका बॉक्स क्या होगा, सही है? अभी आपको देखना पड़ेगा कि इसका बॉक्स क्या होगा, ठीक है? तो इसका बॉक्स देखने का तरीका मैं आपको समझाता हूं सबसे पहले, ठीक है? तो इसका बॉक्स देखने का तरीका मैं आपको सबसे पहले समझाता हूं, मैं जब तक ग्राफ में अच्छे से बना नहीं पाऊंगा तब तक तो होगा नहीं। इधर इरेज कर देता हूं भाई, मेहनत हो जाएगा यहाँ पे बहुत, है ना? तो जरा ध्यान से देखिएगा, ग्राफ को बनाना पड़ेगा अच्छे से, फालतू ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ पे काम नहीं चल सकता, यहाँ पे अच्छा ग्राफ बनाना पड़ेगा, ठीक है? जीरो पे होगा आपका वन बाई रूट टू इंटू रूट टू, जीरो पे हो जाएगा वन, फिर पाई बाई फोर पे जाकर के हो जाएगा ये मैक्सिमम रूट टू, ठीक है? और फिर वापस थ्री पाई बाई फोर पे आकर के यहाँ पे जीरो होगा, है ना? और माइनस पाई बाई फोर पे आकर के जीरो होगा। ये ग्राफ जो है ऐसे ऐसे होगा, थोड़ा सा शिफ्ट करा दो पाई बाई फोर को, ऐसे होगा, ठीक है? ऐसे सिमिलरली उसी अंदाज से चलेगा, इधर हो जाएगा आपका माइनस रूट टू, ठीक है? तो ये माइनस वन कहां पे बनेगा आगे देख लो, पाई बाई फोर के बाद अगर मैं थ्री पाई बाई फोर पुट कर दिया तो ये हो जाएगा आपका टू पाई, टू पाई पे तो वन हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और थ्री पाई बाई फोर के बाद अगर मैं पाई पुट कर दिया, या फिर पाई नहीं पाई बाई फोर का मल्टीपल होना पड़ेगा, तो थ्री पाई बाई फोर के बाद अगर पाई पुट कर दिया तो फाइव पाई बाई फोर, तो ये नेक्स्ट वन कहां पे आएगा ये भाई, ये नेक्स्ट वन माइनस वन, ये कौन सा पॉइंट में आ रहा होगा? ये पॉइंट सब निकालना भी मुश्किल है यार, ये पॉइंट माइनस वन हो जाएगा आपका पाई बाई फोर से जस्ट कितना देर बाद होगा, पाई बाई टू और थ्री पाई बाई टू के बीच का गैप कितना होता है, पाई होता है ना, तो पाई प्लस पाई बाई फोर, फाइव पाई बाई फोर पे आना चाहिए, फाइव पाई बाई फोर पुट करके देखते हैं, तो फाइव पाई बाई फोर कितना हो जाएगा, फाइव पाई बाई फोर, सिक्स पाई बाई फोर, थ्री पाई बाई टू माइनस रूट टू, सही है? तो ये फाइव पाई बाई फोर पे आ जाएगा, क्योंकि समझे ना, क्योंकि पाई बाई टू पे मैक्सिमा और थ्री पाई बाई टू पे मिनिमा होता है, उन दोनों के बीच का गैप कितना होता है, पाई बाई टू होता है उन दोनों के बीच का गैप, तो यहाँ पे भी इन दोनों के बीच का गैप कितना हो गया आपका पाई बाई टू हो गया, देखो है ना, सॉरी पाई होता है, पाई बाई टू और थ्री पाई बाई टू के बीच का गैप पाई होता है, तो इन दोनों के बीच का गैप भी पाई हो गया, समझ में आ रहा है? तो कुछ इसी प्रकार से चलता जाएगा आगे, ठीक है? इसी प्रकार से आगे चलता जाएगा, इधर भी इसी प्रकार से चलता जाएगा आगे, समझ में आ रहा है ना? पीछे चलेगा ऐसे, समझ आ रहा है मेरी बात? मेहनती क्वेश्चन है यार, ठीक है? इसी प्रकार से अभी यहां पे मैक्सिमम हो गया, तो ठीक पाई बाई पाई यूनिट पीछे, तो पाई बाई फोर माइनस पाई कितना हो जाएगा, माइनस थ्री पाई बाई फोर, तो माइनस थ्री पाई बाई फोर पे वापस माइनस वन आएगा, समझ में आ रहा है क्या मेरी बात? माइनस थ्री पाई बाई टू पे वापस माइनस वन आएगा, समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? अभी जरा ध्यान से देखो, मैं आपको समझाता हूं कि एग्जैक्टली कहानी क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना? अच्छा, ये वन वापस कहां पे आएगा, ये वन कहां पे आएगा वो भी निकालना पड़ेगा यार, वन वापस कहां पे आएगा, चलो निकाल ही देते हैं, ठीक है ना? वन कहां पे आएगा ये देख लेते हैं, साइन एक्स प्लस पाई बाई फोर इज इक्वल टू वन चाहिए, मतलब साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाई फोर का वैल्यू चाहिए वन बाई रूट टू, दैट इज साइन पाई बाई फोर, ठीक है? तो एक्स प्लस पाई बाई फोर का वैल्यू हो जाएगा एन पाई प्लस माइनस वन टू दी पावर एन इंटू पाई बाई फोर, समझ में आ रहा है क्या? क्लियर? तो एन अगर जीरो डालेंगे तो ये हो जाएगा आपका जीरो, जीरो पे वन आ रहा है, फिर एन अगर वन डालेंगे तो ये हो जाएगा पाई माइनस पाई बाई फोर, थ्री पाई बाई फोर, थ्री पाई बाई फोर माइनस पाई बाई फोर हो जाएगा आपका पाई बाई टू, तो ये पाई बाई टू पे आ जाएगा आपका नेक्स्ट वन, वन वाला वैल्यू आ जाएगा नेक्स्ट पाई बाई टू पे, ठीक है? पाई बाई टू पे आ जाएगा आपका नेक्स्ट वन, ठीक है? तो पाई बाई टू पे अगर नेक्स्ट वन आ रहा है तो इधर माइनस वन कहां पे आएगा, समझ ही सकते हो माइनस वन कहां पे आएगा,
माइनस वन आ जाएगा आपका, मैक्स माइनस वन आएगा आपका पाई बाई टू के बाद, माइनस रूट टू से पहले क्यों आएगा ना, थ्री पाई बाई फोर कितना होता है भाई 135 डिग्री, नहीं 135 डिग्री। तो माइनस वन आने के लिए इसको क्या होना था, बॉक्स छोड़ के मैं इसका बात कर रहा हूं सिर्फ इस फंक्शन का, तो माइनस वन होने के लिए इसको माइनस वन बाई रूट टू होना था, इसको माइनस वन बाई रूट टू कौन करेगा, इसको माइनस वन बाई रूट टू तो पाई ही कर देगा पाई, तो साइन पाई प्लस पाई बाई फोर हो जाएगा माइनस साइन पाई बाई फोर माइनस वन बाई रूट टू, तो पाई पे आ जाएगा आपका नेक्स्ट माइनस वन, ठीक है पाई पे आ जाएगा नेक्स्ट माइनस वन, इस प्रकार से जजमेंट करना होगा, सही है मेरे बात समझ में आ रहा है ना, तो पाई पे हो जाएगा नेक्स्ट माइनस वन, ठीक है। तो ये हो गया, मैंने बस इतना तक बनाया है ना, आगे आप बनाना चाहते हो तो बना लीजिएगा प्रॉपरली, ठीक है, बट मैं यहाँ तक बना रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे कोई इंटरवल वगैरह नहीं दिया है, इंटरवल तो देना चाहिए यार शीट में, क्वेश्चन में इंटरवल तो होना चाहिए, नहीं तो पूरा रियल नंबर लाइन में तो आप बातचीत नहीं कर सकते ना, बहुत बड़ा हो जाएगा और टाइम बहुत जाएगा, तो कोई ना कोई इंटरवल, हाँ दिया हुआ है तो इंटरवल मैंने मिस किया है। जीरो से टू पाई में आपको बातचीत करना था, कहाँ पे था, जीरो से टू पाई में आपको बातचीत करना था, नहीं तो ये पीरियडिक फंक्शन है, बहुत सारे वैल्यूज आ जाएगा ना पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी, तो इधर तो बात करके फायदा ही नहीं, तो टू पाई तक तो पहुंच चुके हैं, पाई तो आ ही गया, पाई आपका आ ही गया लगभग, ठीक है अभी आपका टू पाई में आपको देखना है, ठीक है। तो टू पाई में क्या होगा, देखो पाई के बाद यहां तक जीरो से पाई हुआ, तो पाई से टू पाई तो कहीं ना कहीं यहां पे होगा, ठीक है। तो टू पाई में तो ये क्या हो जाएगा, टू पाई में ये प्लस वन होगा, टू पाई में ये क्या होगा प्लस वन होगा, क्योंकि देखो रूट टू इंटू वन बाई रूट टू कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये थ्री पाई बाई फोर है तो थ्री पाई बाई फोर के साथ पाई अगर एड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका सेवन पाई बाई फोर, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। तो यहाँ पे अगर माइनस वन मिल रहा है तो यहाँ पे भी एक वैल्यू मिलेगा जहां पे माइनस वन मिलेगा, समझ में आ रहा है। तो वो वैल्यू कौन हो जाएगा, वो वैल्यू कौन हो जाएगा, आप निकाल सकते हो, थ्री पाई बाई फोर से पाई का गैप कितना है, पाई बाई फोर है, तो सेवन पाई बाई फोर से भी पाई बाई फोर पहले वो वैल्यू मिलेगा, सेवन पाई बाई फोर से पाई बाई फोर माइनस कर दो तो कौन मिलेगा आपको, आपको मिल जाएगा सिक्स पाई बाई फोर, दैट इज थ्री पाई बाई टू, तो ये हो जाएगा आपका थ्री पाई बाई टू, समझ में आ रहा है ना, थ्री पाई बाई टू आप डाल के देखो यहाँ पे आराम से कैलकुलेशन बनेगा, ठीक है ना, थ्री पाई बाई टू डाल के देखो माइनस वन आएगा, समझ में आ रहा है क्या, क्लियर है पक्का, चलो। तो यहां तक हमने बात कर लिया, पूरा जीरो से टू पाई में ग्राफ बना दी अच्छे से, ठीक है। अभी जरा ध्यान से देखो, अभी मैंने ये जो जीरो से टू पाई में ग्राफ बनाया, बस इधर ध्यान मत दो, इधर मैं इरेज ही कर रहा हूं, ठीक है, इधर मैं पूरा पूरा कहानी को इरेज ही कर रहा हूं अभी, समझ में आ रहा है ना, बस इधर ध्यान दो और टू पाई के बाद भी आप ध्यान मत देना, हाँ ये हो गया टू पाई, टू पाई के बाद भी आप ध्यान मत देना, ठीक है। तो मैं इस फंक्शन का ग्राफ बनाया, अभी तक मैंने किसका ग्राफ बनाया, सिर्फ रूट टू साइन एक्स प्लस पाई बाई फोर का ग्राफ बनाया यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन। अभी मुझे बॉक्स ऑफ रूट टू साइन एक्स प्लस पाई बाई फोर को ढूंढना है, तो अभी अगर इसका बॉक्स को आप ढूंढना चाहते हो तो कैसे करोगे, बॉक्स को ढूंढने के लिए देखो सबसे पहले बॉक्स का वैल्यू है ना, अभी इस एफ एक्स का मान लेते हैं ये आपका एफ एक्स है, ठीक है ना, तो एफ एक्स का वैल्यू अगर वन से रूट टू है तो उसका बॉक्स क्या आ जाएगा, एफ एक्स का वैल्यू अगर वन से रूट टू है तो उसका बॉक्स क्या आएगा, वन आएगा ना, वन से 1.414 का बॉक्स क्या आएगा, वन आएगा। तो ये देख रेड वाला जो मार्क कर रहा हूं ना मैं, रेड वाला वो है आपका, अच्छा ये दो एफ एक्स आ गया, ये जी एक्स है, ठीक है, जी एक्स का ग्राफ तो ब्लैक वाला है, बट एफ एक्स का ग्राफ जो बॉक्स लगने के बाद ग्राफ क्या होगा वो मैं रेड से बना रहा हूं, जरा ध्यान से देखो, वन से रूट टू वाले हिस्से का बॉक्स, वन से 1.414 का बॉक्स क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। तो ये इस प्रकार से हो गया, समझ में आ जाएगा, क्लियर है। चलो जीरो पे, जीरो पे मैं बातचीत नहीं करना चाहता, जीरो पे देखो क्या होगा, जीरो डालो जीरो पे तो वन होगा, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, क्लोज आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, क्लोज आएगा, ठीक है। और पाई बाई टू पे देखो, पाई बाई टू पे कितना आ रहा है, पाई बाई टू पे भी वन आ रहा है, मतलब यहाँ पे भी क्या होगा, क्लोज होगा, समझ में आ रहा है ना। फिर अगला 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 देखो, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा क्या दे रहा है, जीरो से वन के बीच में दे रहा है ना, ये हिस्सा जीरो से वन के बीच में, इतना सा हिस्से में जो ग्राफ है ये जीरो से वन के बीच में है ना, ये वाला ग्राफ, तो ये जीरो से वन के बीच में है, तो इसका शेडो गिर जाएगा नीचे, मतलब इसका बॉक्स क्या होगा, इसका बॉक्स जीरो हो जाएगा, इसका बॉक्स अगर जीरो हुआ तो पाई बाई टू से पाई के बीच में ग्राफ क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा ग्राफ, समझ में आ रहा है ना, ये हो जाएगा ग्राफ, है ना। अभी पाई बाई टू में तो वन था, मतलब इस जगह पे क्या आ जाएगा, ओपन सर्कल आ जाएगा, ठीक है। और थ्री पाई बाई फोर में क्या होगा, पुट करो थ्री पाई बाई फोर में, थ्री पाई बाई फोर तो ये कितना हो जाएगा पाई, थ्री पाई बाई फोर में जीरो होगा, तो थ्री पाई बाई फोर में तो ये क्लोज रहेगा, 3 पाई बाई फोर में तो यहाँ पे क्लोज रहेगा, कोई इशू नहीं है, 3 पाई बाई फोर में क्लोज रहेगा, ठीक है। अभी देखो, अभी 0 से पाई तक, 0 से 3 पाई बाई फोर से पाई तक
क्या होगा 3π/4 से पाई तक आंसर एफ एक्स जी एक्स का आंसर क्या है 0 से -1 तो उसका बॉक्स क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा दैट इज -1 मतलब कौन सा -1 मतलब इतना सा हिस्सा समझ में आ रहा है ना दूसरा कोई राइट करने के देता हूं इतना सा हिस्सा समझ आ रहा है क्या इतना सा हिस्सा ठीक है बट अभी आप ध्यान से देखो कि 3π/4 पे तो आंसर 0 था मतलब इस जगह पे क्या होगा इस जगह पे ओपन होगा समझ में आ रहा है क्या क्लियर है अभी पाई पे चेक करो पाई पे कितना होगा पाई पे तो cos पाई -1 होगा मतलब इस जगह पे क्या होगा -1 मतलब इस जगह पे क्लोज होगा ठीक है अभी देखो पाई से 3π/2 आंसर क्या है पाई से 3π/2 आंसर क्या है क्लियरली दिख रहा है पाई से 3π/2 का आंसर क्या है क्लियरली दिख रहा है -1 से -√2 है जीएक्स का वैल्यू तो उसका बॉक्स होने के बाद आंसर क्या हो जाएगा अगर मैं उसका बॉक्स किया तो -1 से -√2 का बॉक्स क्या होगा -2 हो जाएगा -2 समझ में आ रहा है ना तो यहां से आंसर क्या शुरू हो जाएगा -2 होना शुरू हो जाएगा ठीक है यहां से आंसर -2 होना शुरू हो जाएगा अभी पाई पे आंसर तो यहां पे क्लोज आ गया तो यहां पे डेफिनेटली ओपन सर्कल होगा यहां पे ओपन सर्कल होगा ठीक है और 3π/2 पे क्या होगा देखो ये तो 0 हो जाएगा ये -1 हो जाएगा तो -1 का बॉक्स क्या होगा -1 ही होगा समझ में आ रहा है ना -1 का बॉक्स हो जाएगा आपका -1 का बॉक्स हो जाएगा आपका -1 तो यहां पे भी आपका क्लोज हो गया सॉरी ओपन सर्कल हो गया और -1 पे आप क्या कर दो क्लोज कर दो -1 पे क्या कर दो क्लोज कर दो समझ में आ रहा है ना -1 पे क्या कर दो आप क्लोज कर दो ठीक है यहां पे -1 पे क्लोज कर दो अभी देखो अभी 3π/2 से 7π/4 का ग्राफ क्या हो गया 3π/2 से 7π/4 ठीक है ना ये -1 से 0 हो गया तो वापस इसका ग्राफ क्या आ जाएगा -1 से 0 वाले का जो शैडो गिरेगा वो क्या गिरेगा -1 ही तो होगा ना क्योंकि उसका बॉक्स -1 होता है ठीक है ना तो इसका बॉक्स वापस -1 होगा समझ में आ रहा है ना क्लियर है ये -1 हो गया ये क्लियर है ना यहाँ पे ये -1 हो गया पूरा ये -1 हो गया ठीक है तो यहां पे अगर ओपन है तो यहां पे क्लोज और 7π/4 पे वैल्यू क्या है 7π/4 पे चेक करो ना तो ये हो जाएगा आपका 2π तो 0 आएगा 0 आएगा मतलब यहां पे क्या होगा ओपन सर्कल और यहां पे क्या होगा क्लोज सर्कल ठीक है और फिर 7π/4 से 2π तक आंसर क्या है 0 से 1 के बीच में है ना 0 से 1 के बीच का बॉक्स क्या होगा 0 होगा 0 से 1 के बीच का बॉक्स क्या होगा 0 होगा 7π/4 पे तो यहां पे क्लोज है और 2π/4 पे क्या होगा 2π पे ये भी 0 और ये 1 तो अगर ये 1 है तो यहां पे हो जाएगा ओपन सर्कल और यहां पे हो जाएगा क्लोज सर्कल समझ में आ रहा है ना तो रेड से जितना हिस्सा आपको दिख रहा है दिस इज द कंप्लीट ग्राफ ऑफ बॉक्स ऑफ साइन एक्स प्लस 2x वापस मैं बना के दिखाता हूं ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर इधर आपको ऐसे दिख रहा है और एक और ऊपर डॉट दिख रहा है समझ में आ रहा है ना तो दिस इज द कंप्लीट ग्राफ ऑफ बॉक्स ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इतना आसान नहीं था बनाना समझ में आ रहा है ना कैलकुलेशन भी है और एक्यूरेसी भी चाहिए आपको साथ साथ ठीक है अभी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ढूंढ लेते हैं एक्स इक्वल टू 0 पे जहां पे चेहरा बाकी हर इंटरवल में तो फंक्शन कांस्टेंट है तो कंटिन्यूअस होगा जहां पे ग्राफ चेंज हो रहा है उसी जगह पे चेक कर लो एक्स इक्वल टू 0 पे फंक्शनल वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू सेम है कंटिन्यूअस है एक पॉइंट तो मिल गया π/2 डिसकंटिन्यूटी वाला दूसरा 3π/4 डिसकंटिन्यूअस ठीक है तीसरा पाई डिसकंटिन्यूअस दिख रहा है ठीक है चौथा 3π/2 डिसकंटिन्यूअस फिफ्थ वन इज 7π/4 डिसकंटिन्यूटी दिख रहा है एंड सिक्स्थ वन इज 2π डिसकंटिन्यूटी समझ में आ रहा है क्लियर है पक्का तो ये हो गया आपका कंप्लीट ग्राफ और पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ठीक है ना तो ये कितना हो जाएगा आपका साइन 0 प्लस कॉस 0 1 है ना सॉरी 2π में तो ये 1 हो जाएगा बिल्कुल सही 1 हो जाएगा सही ना तो ये हो गया आपका कंप्लीट डिस्कशन है ना अबाउट पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी टोटल कितना पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी मिल गया 1 2 3 4 5 6 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी मिल चुका है समझ में आ रहा है क्लियर है दोस आर π/2 3π/4 पाई 3π/2 7π/4 एंड 2π समझ आया क्लियर है तो इस प्रकार से आप कर सकते हो अभी अगर आपको फंक्शन को रीडिफाइन करने के लिए बोले तो भी आप लिख सकते हो 0 से π/2 आंसर 1 है π/2 से 3π/4 0 है 3π/2 से पाई आंसर क्या होगा -1 पाई से 3π/2 -2 3π/2 से 7π/4 -1 होगा और 7π/4 से 2π आंसर 0 होगा ठीक है और इक्वालिटी कहां पे क्या लगाना है वो ध्यान से देख लीजिएगा ठीक है क्लियर है तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा अच्छा सवाल था मेहनती सवाल था बहुत मेहनत कराया ठीक है
क्लियर है? तो इस प्रकार से आपको करना पड़ेगा। वैसे कि इतना लगा तो शायद नहीं पूछ सकता, बट बॉक्स साइन एक्स, बॉक्स टू साइन एक्स, बॉक्स थ्री कॉस एक्स, ये सब जरूर आ सकता है एग्जाम में, ठीक है? ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? इंटीग्रेशन में इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे हम इसी फंक्शन का, ठीक है? चलो आगे देखते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ टू एक्स क्यूब माइनस फाइव, ठीक है? कहां पे पूछा है? 1.2 पे पूछा है, ठीक है? तो आप जानते हो कि बॉक्स फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कहां पे होता है। आप इसी लॉजिक को यहां पे नहीं लगा सकते हो लेकिन, क्योंकि आप जानते ही नहीं हो कि ये फंक्शन कहां पे इंटीजर होता है, ठीक है? इसीलिए ये ट्रिग्नोमेट्री के खेल में आपको ग्राफ से करना पड़ेगा और काफी मेहनत हो जाएगा, ठीक है? बट यहां पे आप वही लॉजिक लगा सकते हो पहले वाला, कि बॉक्स ऑफ एफ एक्स डिसकंटिन्यूअस कहां पे होगा, जहां पे एफ एक्स इंटीजर होगा, अगर ये एफ एक्स फंक्शन इंक्रीजिंग है तो। 2x³ - 5 डिफरेंशिएट करने से पता चल रहा है, इंक्रीजिंग क्या बोल रहा है, मोनोटोनिक है तो। डिफरेंशिएट करने से पता चल रहा है 6x² है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब फंक्शन हमेशा मोनोटोनिक है। अगर फंक्शन मोनोटोनिक है तो जितने जगह पे ये एफ एक्स इंटीजर हो जाएगा उतने जगह पे ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो एक्स का वैल्यू तो है 1 से लेकर 2 तक, तो x³ हो जाएगा क्या 1 से लेकर 8 तक, ठीक है ना? 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 से लेकर 16 तक, और अगर -5 कर देते हैं, -5 करने का कोई जरूरत है क्या? मेरे को तो लगता नहीं है। या फिर ऐसे कर देते ना इसको, -5 करो, या फिर आप -5 तो इंटीजर है तो बॉक्स ऑफ x+n इज इक्वल टू बॉक्स x+n, ठीक है? वो प्रॉपर्टी लगाते, सिर्फ इसका कंटिन्यूटी डिस्कंटिन्यूटी सिर्फ इस फंक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये तो कॉन्स्टेंट है, हमेशा कंटिन्यूअस है, समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? या फिर -5 कर भी सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। वो कितना हो जाएगा आपका? 2 - 5 - 3 से 11 हो जाएगा, ठीक है? तो देख लो बीच में कितना पॉइंट्स आ रहा है गेन के, ठीक है ना? 1 से 10 तक 10 पॉइंट हो गया, और 0 से -3 तक 4 पॉइंट हो गया, तो 10 और 4 = 14 पॉइंट हो जाएगा, जहां पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। बट ध्यान रहे यहाँ पे कहानी बहुत कुछ है, क्योंकि मैं आपको एक चीज बता करके दे रहा हूं, याद है बॉक्स एक्स स्क्वायर वाला टॉपिक जो मैंने आपको सबसे पहले ये चीज समझाने वक्त लेक्चर 1 में एग्जांपल दिखाया था बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का। उधर जब आप बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाने गए थे तो 0 पे कुछ इस प्रकार से हो गया था, बट अकॉर्डिंग टू रूल अगर आप देखोगे, इमेजिन करोगे, तो ये 0 पे लगता नहीं है कि कंटिन्यूअस है, बट 0 पे ये कंटिन्यूअस हो गया था, समझ में आ रहा है ना? इसीलिए मैं हमेशा प्रेफर करूंगा कि इंटरवल का एक्सट्रीम पॉइंट्स में आप कुछ छेड़खानी मत करो, इन बिटवीन पॉइंट्स में आप कंफर्म बोल सकते हो कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। मतलब कि मैं बोल रहा हूं इस इक्वालिटी वाले पॉइंट पे आप चेक करके एक बार देख लो, कहानी गड़बड़ होगा, समझ में आ रहा है ना? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसीलिए बोल रहा हूं चेक करने के लिए। बट -3 के बाद से 11 से पहले से इन बिटवीन जो भी इंटरवल आएगा उसके बीच में कभी फंक्शन अपना चेहरा चेंज नहीं कर सकता, तो क्योंकि कंप्लीट लेंथ होगा ना, समझ में आ रहा है? बट एक्सट्रीम पॉइंट में कहां पे आप अचानक से रोक दोगे उस जगह पे, इसीलिए डाउट रह जाता है। आप हमेशा चेक कर लीजिएगा, मैं बार बार ये सजेस्ट कर रहा हूं, ठीक है? जैसे यहां पे देखिए -3 किस वैल्यू पे आ रहा है भाई, किस वैल्यू पे आ रहा है? एक्स का वैल्यू 1 पे, समझ में आ रहा है ना? एक्स का वैल्यू 1 पे, जरा आप ध्यान से एक बार चेक करके देख लीजिए, x = 1 पे जरा ध्यान से आप चेक करके देख लीजिए एक बार, क्या ये डिसकंटिन्यूअस हो रहा है या कंटिन्यूअस हो रहा है। देख लीजिए 1+ में ये क्या होगा, 1+ में ये 2+ हो जाएगा, 2+ का बॉक्स 2 आ जाएगा, बट 1- पे देखिए जरा क्या होगा, 1- पे ये हो जाएगा आपका 1- पे ये x³ 1- ही होगा, और इनटू 2 करेंगे तो 2- और 2- का बॉक्स हो जाएगा 1, तो चेंजेस आ रहा है ना, ठीक है? बट आगे अगर आप करेंगे ना, आपको ये चेंजेस नहीं मिल सकता, समझ में आ रहा है, ठीक है? आगे अगर आप किसी भी वैल्यू पे पुट करके चेक करते हो ना, तो ये चेंजेस आपको नहीं मिलेगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि इंटरवल देखो ध्यान से, इंटरवल देखो 1 से 2, अगर आप 2 पे चेक करोगे तो वही गलती आपको वापस मिलेगा, समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? इसीलिए ये सब केस में थोड़ा सा होशियार रहना होगा आपको, ठीक है? तो क्योंकि ये जो मतलब यहां से एक पॉइंट सब्ट्रैक्ट हो गया तो टोटल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी 13 हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये 13 पॉइंट्स कौन होगा, ये 13 पॉइंट्स वही पॉइंट्स होंगे जिस पॉइंट्स के वजह से x³ जो है आपका 1 से 2, ये 13 पॉइंट्स कौन होंगे, वो तो अगर मैं निकालना चाहता हूं तो निकाल सकता हूं। ये 13 पॉइंट्स वही पॉइंट्स हो जाएगा जहां पे 2x³ - 5 होगा -2 - 1 से लेकर 10, ठीक है? यहां से हर एक इक्वेशन सॉल्व करके x का, जैसे पहले वाले को अगर सॉल्व करते तो x का वैल्यू आ रहा है क्यूब रूट ऑफ 3/2,
ठीक है ना। तो अभी क्यूब रूट ऑफ 3/2 के आसपास अगर मैंने चेक किया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट x इक्वल टू इंटीजर पॉइंट के इधर उधर अगर चेक करोगे तो फर्क पड़ जाएगा। सिर्फ इसका बात नहीं कर रहा हूं, आप इसी क्वेश्चन को ट्राई करके देख लेना 1 से लेकर 3 तक क्लोज इंटरवल में, आपको समझ आ जाएगा कि कहां कहां पे चेक करना है, डायरेक्टली वो रोल नहीं लगाना है। समझ में आ रहा है ना, हमेशा इंटरवल में मतलब इंटीजर पॉइंट्स में आप ध्यान दे ही देना, ठीक है। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं इन बिटवीन इंटीजर्स आप आराम से करो, कोई इश्यू नहीं है, बट इंटीजर्स में आप चेक कर लेना क्योंकि बॉक्स अपना पहचान को चेंज करता रहता है इंटीजर पॉइंट्स में। समझ में आ रहा है, ये बॉक्स अपना पैटर्न चेंज करेगा इंटीजर पॉइंट्स में। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है, ठीक है। तो आप अगर ध्यान से देखते हैं तो इसका कंक्लूजन में क्या दूंगा, बॉक्स ऑफ 2x³ - 5 हो गया ना, तो टोटल पॉइंट्स तो आया था हमारे पास 14 पॉइंट्स, ठीक है। और अगर मैं एक्स इक्वल टू 14 पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी मिल गया था ना, तो अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखू तो डाउट कहां पे आ रहा था हमारा, एक्स इक्वल टू 1 पे, तो 1 पे अगर मैंने चेक किया तो ये क्या आ रहा है, 1 पे अगर मैंने चेक किया तो ये क्या आ रहा है, देखना पड़ेगा ना, 1 पे अगर चेक करोगे तो एक बार देख लो यहाँ पे तो डिसकंटिन्यूअस आ रहा है, 1 पे एक बार चेक करके देख लेते हैं, ठीक है, 1 पे एक बार चेक करके देख लेते हैं क्या आ रहा है, ठीक है, सही से, ठीक है ना। ध्यान से देखो, एनएचएल अगर मैं देखूंगा तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस, तो ये हो जाएगा बॉक्स ऑफ 2x³ - 5, सही है। तो 1 माइनस पे ये कितना हो जाएगा, 0.999 का होल क्यूब 0.999 ही होगा, इनटू 2 करेंगे तो 1.999 होगा, माइनस 5 करेंगे तो ये माइनस 3.001 होगा, जिसका बॉक्स हो जाएगा -4, ठीक है। अगर मैं आरएचएल देखता हूं तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस बॉक्स ऑफ 2x³ - 5, तो 1 प्लस में ये क्या होगा, ये 2. मल्टीप्लाई होने के बाद 2.001 होगा, माइनस 5 करेंगे तो ये -2.999 होगा, जिसका बॉक्स कितना आएगा, -3 आएगा, ठीक है। तो यहां पे तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा है पैसे के लिए, है ना, तो यहां पे तो सब कुछ ओके है, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है, तो यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, ठीक है ना, यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है आपका, सही है सब कुछ। तो 15, 2 से 15 ना, तो 1 से 15 तक 15 पॉइंट्स होता है, और 1 को छोड़ दिया तो 14 पॉइंट्स, सही है। बट मैंने -1 क्यों किया भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा है, -1 क्यों किया, 14 ही तो होगा ना आंसर, 14 ही तो होगा, 1 पे x इक्वल टू 1 पे तो ये कंटिन्यूअस बन रहा है ना, हमें क्या निकालने बोला था, पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी, ऑब्वियसली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगा, हाँ नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी बोला था, तो डिसकंटिन्यूटी अगर ढूंढने गया तो ये क्या हो जाएगा आपका, x इक्वल टू 1 पे तो ये डिसकंटिन्यूअस आ रहा है, बिल्कुल सही है, ठीक है। वापस चेक कर लेते क्योंकि आंसर यहाँ पे 13 दिया हुआ है यार, तो ये 14 तो गड़बड़ हो गया ना क्या, 14 गिन के तो 14 पॉइंट्स ही आ रहा है, देखो ना अगर मैं इसको ध्यान नहीं देता हूँ इधर भी देखता हूँ तो 1 से 15 तक 15 पॉइंट हो गया, 1 को छोड़ दिया तो 2 से 15 तक तो 14 पॉइंट ही होता है, बट 2 पे नहीं होगा क्या, 2 पे नहीं होगा मतलब x इक्वल टू 1 पे नहीं होगा, x इक्वल टू 1 पे ये कंटिन्यूअस नहीं है क्या, 1 प्लस में क्या होगा 1.001 का होल क्यूब, तो 1.001 ही होगा, इंटू 2 करेंगे तो वही होगा 2.002, माइनस 5 करेंगे तो -2.999 होगा, जिसका बॉक्स -3 हो जाएगा, सही है। और इधर 2. हो जाएगा आपका 1.999, तो 1.999 हो जाएगा आपका, -5 करेंगे तो -3.001 का बॉक्स हो जाएगा -2, सही, तो ये डिसकंटिन्यूअस इस पॉइंट पे, सही है। तो चलो 14 ही आएगा हमारा आंसर, पता नहीं अगर कोई मिस्टेक हो जाता है तो मेरे को बता दीजिएगा, ठीक है, बाद में मैं करेक्ट करा दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, कुछ हैवी क्वेश्चंस था ये एक्सरसाइज 2 का, ठीक है, और कुछ प्रॉब्लम देखते उनको कैसे करते। अच्छा ये एक बार ध्यान से मैं वापस बताता हूँ आपको, आप एक बार ध्यान दीजिएगा इस चीज को, है ना। यहाँ पे हमने जो यहाँ पे एलएचएल चेक कर लिया वो गड़बड़ हो गया, क्यों, क्योंकि एलएचएल तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, समझ में आ रहा है ना, 1 के पीछे तो जा ही नहीं सकता है, 1 माइनस पे तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, इंटरवल ही रेस्ट्रिक्ट कर दिया, समझ में आ रहा है ना।
तो वन पे जो कंटिन्यूटी हो जाएगा वो सिर्फ वन साइडेड हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। तो आर एच एल अगर एफ ऑफ वन के इक्वल हो गया तो काम बन जाएगा। एफ ऑफ वन कितना आ रहा है, टू माइनस फाइव का बॉक्स माइनस थ्री। आर एच एल एफ ऑफ वन के इक्वल आ रहा है मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा एट एक्स इक्वल टू वन। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी से एक और पॉइंट माइनस हो जाएगा जो कि आ जाएगा आपका 13। समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो वही चीज आपको यहाँ पे ध्यान देना था, समझ आ रहा है, क्लियर है भाई। मेरा गड़बड़ हो गया था इस सवाल में, ठीक है ना। तो मैंने थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इस चीज को आप ध्यान दे दीजिएगा प्रॉपरली, है ना, प्रॉपरली सोच के रखिए इसको। मैंने क्या बोला कि आरएचएल ये वन पे लेफ्ट साइड तो है ही नहीं, तो वन पे जो कंटिन्यूटी का कंडीशन बनेगा वो सिर्फ इतना सा बनेगा कि अगर फंक्शन एक्स इक्वल टू वन पे कंटिन्यूस कंटिन्यूटी चेक करना है उसका, तो आर एच एल और फंक्शनल वैल्यू बस इक्वल है या नहीं वो देख लेना। अगर आर एच एल और फंक्शनल वैल्यू इक्वल हो गया तो बात बन जाएगा, और वो इक्वल है मतलब फंक्शन कंटिन्यूस है। अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी से आप एक पॉइंट को हटा दो, मतलब 14 में से एक गायब हो जाएगा, तो टोटल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। समझ में आ रहा है, इसीलिए मैंने बोला कि एक्सट्रीम पॉइंट्स में हमेशा ध्यान दे देना, ठीक है, इंटीजर पॉइंट्स में हमेशा ध्यान दे देना बॉक्स और फ्रैक्शन पार्ट के केस में, ठीक है। तो ये हो गया आज के लेक्चर के लिए, हम यहाँ तक ही रखते हैं, और रिमेनिंग जो भी थोड़ा बहुत अच्छा क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन तो आज के लेक्चर में कराना नहीं हुआ, नेक्स्ट लेक्चर में करा दूंगा। तो ये हो गया आज के लेक्चर के लिए, इतना तक मोर देन सफिशियंट है, और आगे बातचीत करेंगे हम, हमारा लास्ट जो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस चीज के ऊपर, और रिमेनिंग कुछ क्वेश्चंस लेकर के नेक्स्ट लेक्चर हमारा कंटिन्यूटी का आखिरी लेक्चर होगा, ठीक है। तो आज के लिए यहाँ तक समाप्त करते हैं, अलविदा।